अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई, क्या खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आया हूँ विक्रोली में और हमारे साथ है समीर भाई। समीर भाई कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं भाई। फटाफट निकल जा रहे हैं? बहुत तेज, बहुत तेजी के साथ। और माशाल्लाह मैं आप लोगों को, समीर भाई ने एक पलाई सेटअप भी स्टार्ट किए, तो वीडियो की स्टार्ट में आप लोग इसलिए बता दिया जा रहा है कि आपको टेंशन फिकर लेना, बेफिकर लेना है, बेफिकर हो जावे। हाँ, और यहाँ चीज लेके आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट नहीं पे करना है, यही रखो, यही छोड़ देना है। ठीक है, पर सेटअप हमारा दूसरी जगह है, यहाँ नहीं है, टेरिस पे। उधर ट्रांसपोर्ट लगेगा क्या? हाँ, ये देखो बच्चे की दूध पीता बच्चा है। ठीक है, देखो अपना एड्रेस बताइए समीर भाई। विक्रोली पार्क साइड नियर मैफियर मुंबई महाराष्ट्र। तो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो समीर भाई? ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। क्या बात है, सब जगह जा रहा है। ILU एंटरटेनमेंट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है, कैसे है सब्सक्राइबर्स वो बताओ? बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर है भाई, अच्छे लोग हैं, कोई गलत बात नहीं करता है, उल्टी सीधी बात नहीं करता, अच्छी बात करता है, बहुत से जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं। पलाई पे भी काफी जानवर आए हुए हैं। ओके, और जो लोगों ने लिए हैं मेरे पास ही छोड़ दिए। तो कितने जानवर हो गए अभी पलाई पे फिलहाल? है करीब होंगे 15-18 जानवर हो गए। क्या बात है भाई। अभी तो कम से कम दो तीन बार में अपना कम से कम वीडियो बनी है। और होने को तो बहुत हो गए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाहर का जानवर मैंने लिया नहीं, वो बड़े जानवर दे रहे हैं वो लोग अंडू, और मेरे पास इतना स्पेस नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, तो मैं अंडू ले नहीं रहा हूँ बाहर। मतलब ऐसा हो गया कि अभी समीर भाई को लगता बड़ा फार्म लेना पड़ जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की अगर इसी तरीके से मेरे पे नजरें बनी रही ना, हाँ हाँ, तो ले लूंगा। क्या बात। और खस्सी किसी का रहे तो खस्सी भेज सकता है मेरे पास में। ओके, पर अंडू के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है यार, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ भाई। बाकी जो ज्यादातर मेरे पास से बच्चे लिए वही बच्चे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ILU एंटरटेनमेंट पे आप देख रहे हो कंटिन्यू समीर भाई छा रहे और पलाई पे बकरे आ रहे आ रहे। एड्रेस बताइए। विक्रोली पार्क साइड नियर मैफियर मुंबई महाराष्ट्र। स्टार्ट करते हैं, लोगों को फटाफट शॉक करा देते हैं। नस्ल बताइए। ये गुजरी बच्चा है भाई। गुजरी बच्चा है और मुश्किल से 4 महीने का बच्चा होगा। ये देखो दूध पीता बच्चा है यार। हाँ, जब से देख रहा हूँ दूध ही पिला रहे उसको। हाँ, तलाश में अनाज सब खा रहा है पर दूध भी पीता है। और क्वालिटी देख लो बच्चे की, लटक फेस। एक्चुअली बच्चे का मैं आप लोग बता दूं, फेस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे फेस में। लो लेके आओ, घुमा के लाओ, ये एंगल दिखा दो, ये देखो। हाँ, हर एंगल से दिखाना है, मेरा काम है आप लोगों। अब बच्चे का आप लोग फेस देखिए, क्या वजन पड़ेगा बच्चा? इलियास भाई इसकी एक कहानी है, ये दो बच्चे दो भाई हैं। अरे कहानी मतलब? कहानी ये है कि जब जंगल से लोड हुए थे, जो व्यापारी ने भेजे थे, उसने डिटेल मुझे गलत दी। अच्छा, कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसने बोला ये समीर भाई 35 किलो के अराउंड बच्चे है, पर ये 35 किलो अराउंड बच्चे नहीं है, ये बकरे आएंगे 30 के अंदर। हाँ, तो उसने गलत डिटेल दी। खैर कोई बात नहीं, एक ही बार काम करेगा ना, हम बार बार थोड़ी करेगा। मतलब आप लोग इतना काम करते हो तो भी गलत डिटेल हो जाती है? तो भी गलत डिटेल हो जाती है, हमारे साथ हो जाती है, हम दूसरे को क्या बोले यार। बताओ, अब 35 किलो बोझल के बच्चे चढ़ा दिए उसने, पैसा लिया 35 किलो वाला। अच्छा, और ये बच्चे आए 28 किलो 27 किलो पे। ठीक है, समझ रहे। तो 27-28 किलो का बच्चा है ये, और इसका प्राइस है 14,500 रुपये। एक्चुअली पैसा इसका मैंने 35 के भाव का दिया है। 35 के भाव का दिया? हाँ, ये लॉस में दे रहा हूँ बच्चे में। अब आ गए क्या करूँ, वापस तो भेज नहीं सकता। सही बात है भाई, वापस जाता है ट्रांसपोर्ट, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम हो जाता है। इससे बेहतर है आप लोग ये चीज लो, शौक को बढ़ाओ, बच्चे में लटका नहीं, बट बच्चे का फेस अच्छा है। ठीक है, फुल क्वालिटी बच्चे, बच्चा क्वालिटी में। थोड़ा कान खोल के दिखा दो, कान तो नॉर्मल ही रहते हैं वैसे ही। ठीक है, एशियन पेंट चॉकलेट के साथ है वो, बता रहा था मैं। बाकी अच्छे पैर पुर्जे का, पुर्जे का अच्छा बच्चा है। कितना बोले प्राइस? 14,500। छोड़ दो, थोड़ा चल के दिखाएगा तो आराम से, जो चीज समझ में आ रही, क्वालिटी समझ में, डिस्प्ले में नंबर आ रहा है आप लोगों को समीर भाई का, आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते। नस्ल बताइए। गुजरी बच्चा। अच्छा भाई, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या देख के लिए थे बच्चों? बताओ बच्चों के भाई, पैर पुर्जे देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ, लटकन देखता हूँ, फ्रेम देखता हूँ, कमान देखो बच्चे। और लास्ट टाइम पे माशाल्लाह आपने कुछ चीजें बताए थे, पॉइंट्स बताए थे,
वो पॉइंट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो लास्ट वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। और वो पॉइंट्स से आप लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो हमेशा जो है बच्चे बनने वाले ही मिलेंगे। बिकॉज ये समीर भाई का एक्सपीरियंस बोलता है, देखिए कितना महीने बोला आपने, ये 4 से 4.5 महीने। वजन ये भी आएगा करीब 27-28 किलो बच्चा, 27-28 किलो, उससे कम नहीं आएगा। ये तो ये इसके साथ वही कहानी है क्या? हाँ, ये वही दो बच्चे की वही कहानी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, समीर भाई बोल के दे रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल के देना, बता देना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, ये एंगल में अच्छा लग रहा है, देखो। अरे बच्चे बहुत क्वालिटी वाले बच्चे, एक्चुअली भाई बच्चे का जो कलर है, डार्कनेस देखो, शाइनिंग देखो बच्चे में, बच्चे में लटकन देखो, और है बनने वाली चीज है भाई, परफेक्ट चीज है। मेरे पास कोई छोड़े तो सही, मेरे पास छोड़ दे, इंशाल्लाह अल्लाह ने हयाती दी तो 4 महीने के बाद ये बकरे कहीं और दिखेंगे। तो अपने पास कितना स्पेस है अभी पढ़ाई का, ले सकते हो? अभी मैं 30 से 35 बच्चे और ले सकता हूँ। मतलब अभी आधा हाउसफुल हो चुका है, आधा ही बाकी है, अभी लोग फटाफट आ जाओ भाई, बिकॉज 50% अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 वीडियो में ही हो गया। और 50% जो बाकी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो समीर भाई का गारंटी के साथ जो काम चल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी लग रही है, बच्चा कैसा लग रहा है? और आप एक बात ये बता दूं कि यही पीरियड है बच्चे लेके छोड़ने के लिए, 2025 के का जो टाइम है ना बकरीद का, ये टाइम है अभी कि आप बच्चे लेके छोड़ दो, क्योंकि ये 2 महीने हैं जिसमें बच्चा आप कलेक्ट कर लोगे, बच्चे में मोर्टेलिटी कम होगी, बच्चा बीमार नहीं होगा, बच्चा सेट जल्दी होगा। और यही पीरियड है जो बच्चा अभी पालने वाला आएगा, ईद के बाद आपको पालने वाला बच्चा मुश्किल है कि अच्छा मिले, क्योंकि बकरा ईद करीब हो जाती है और फार्मों की छटाई जंगल के अंदर शुरू हो जाती है, क्वालिटी जितनी भी रहती है ना वो सब फार्मों पे चली जाती है, बुकिंग पहले हो जाती है। तो अभी जो ला रहा हूँ या कोई भी ला रहा है, किसी के पास से मिल रहा है, ये पीरियड है 2025 के लिए बच्चे जमा कर। तो ये एक्सपर्ट का मानना, मैं आप लोग बता दूं, हमारे अली भाई का भी यही मानना है, हमारे समीर भाई का भी यही मानना है, एक्सपर्ट है ये। और माशाल्लाह सेलिंग में इनका हाथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि ये जो चीज ला रहे, दे रहे, लोग पसंद कर रहे, लोग लेके जा रहे, शौक बढ़ रहा है। तो एक्सपर्ट का मानना है फटाफट ले लो, मौका है, और अगर आपको बाद में लेना है तो 2 महीना पहला लो, सेट कर लो, इंशाल्लाह आप लोगों को पैसा वसूल, क्वालिटी अभी मिल रही है। अभी बच्चे आ रहे हैं, ये देखो अभी होली गई, जी जी इलियास भाई, तो होली में जितना अच्छा अच्छा बच्चा था, लोगों ने अपना त्यौहार रहते हैं, हाँ। जो गैर मुस्लिम है वो भी बेचारे, उनका त्यौहार रहता है, तो वो भी जानवर बेचते हैं, तो अच्छा बुरा सब निकाल देते हैं उसमें, जी जी। फिर अभी ये ईद आ रही है, बराबर, ठीक है, अभी भी बच्चा निकलेगा अच्छी क्वालिटी का, बराबर। फिर ये ईद के बाद बच्चा आना स्लो हो जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, हाँ स्लो हो जाएगा, फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि माँ बकरीद वाला माल इस पे फोकस करो, बच्चे पे फोकस कम करो, जी जी। बच्चा सब जमा होना शुरू हो जाएगा, बराबर, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी जो आ रहा है अभी ले लो, बाद में तकलीफ नहीं होगी। फिर बारिश का टाइम आ जाएगा, बारिश का बच्चा थोड़ा सा जल्दी सेट नहीं होता है, टाइम लेता है। ठीक है, क्या मांग रहे इसका? इसका भी वही 14,500। 14,500 4 महीने का बच्चा है ये भी, 4 महीने, और जो भी वजन आ जाए 25 से 28 के बीच का है ना, 27-28 किलो जो भी आ जाए, ठीक है, छोड़ दो, तो चल के दिखाएगा। बेहतरीन लटकन का बेहतरीन बच्चा, जो जिस किसी भाई को भी लेना है, शौक करना है, डिस्प्ले में नंबर आ रहा है आप लोगों को समीर भाई का, आप लोग जो है कॉन्टैक्ट करो, लो और शौक करो, क्वालिटी का लेवल अप हो गया इंशाल्लाह, और आगे भी ऐसा ही लेवल अप होता रहेगा। बहुत जबरदस्त बच्चा, देखो नस्ल बताइए, ये सोजत बच्चा है, सोजत है, वाइट आइज का, अभी प्योर वाइट आइज है, प्योर बच्चे की दुम दिखाओ और बच्चे की पेटी दिखाओ, पेटी गंदा है बच्चा इलियास भाई, बच्चा नहाया नहीं है, नहला सकता नहीं, अभी बीमार हो जाएगा बच्चा, अगर नहला के वीडियो में डाला होता ना तो बच्चा दिखता, मतलब ऐसा है कि वीडियो में अच्छा दिखने के लिए नहलाते नहीं हो आप, क्योंकि उससे बाद में जो है परेशानियां हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो प्रिकॉशंस ले रहे समीर भाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों को चीज अच्छी मिल जाए, ठीक है, और आप जब लेके जाओ सेट कर लो, नहला दो बाद में, उसके बाद नहलाओ धुलाओ, यहाँ पर एक इसके पूरा गोल बॉल बना हुआ है, ठीक है, चॉकलेटी का, बाकी बच्चा देख लो। समीर भाई कितने महीने का है ये? ये 6 से 6.5 महीने का बच्चा, 6 से 6.5 महीने का, 6.5 महीने का बच्चा है, वजन इसका आएगा अराउंड 35 किलो, मोटा बच्चा है, ओके, 21 किलो अराउंड वजन आएगा इसका, ये साइड से भी बच्चा देखो बहुत जबरदस्त। तो हर एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई आप लोगों को दिखाने की, बताने की,
शौक कराने की कोशिश कर रहे। ये देखिए कैसा लग रहा आपको बच्चा, आप लोग बताइए। एशियन पेंट चॉकलेट के साथ है, आपके साथ ले लो थोड़ा, ये साइड ले लो। हाँ कमान दिखाओ बच्चे की, सोजत में इतनी कमान नहीं आती है इलियास भाई, जितनी कमान ये बच्चे में है। बहुत जबरदस्त, कान खोल के दिखा दो एक बार। ये देखिए एशियन पेंट है, चॉकलेट भी है। बच्चा 35 किलो का है, कितने महीने का बोले? 6.5 महीने का। प्राइस बोलिए। 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए। अब आप लोग कमेंट करो भाई, वाइड आईज में बच्चा, ये कान की क्वालिटी, गुलाबी भी है, हर एंगल से परफेक्ट बच्चा है। और रेट कैसा लगा? अभी पब्लिक ही बताएगी कि रेट कैसा लगा। अभी एक इससे ज्यादा वजन का बच्चा दिखाऊंगा सोचा, तो वो नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज है। उसके बाद एक दिखाऊंगा अजमेरा। अच्छा टॉप क्वालिटी अजमेरा दिखाऊंगा, घोड़ा लगेगा एकदम चमकता वाला, लाइट मारेगा बच्चा। लाइट मारेगा, शो स्टॉपर बच्चा। क्या बात है, कम से कम 46-47 किलो वेट है बच्चा। मतलब जो है वीडियो स्किप करने वाली डाउन ही है, आप लोग हमारी कन्वर्सेशन सुनते रहिए, उससे नॉलेज भी मिलेगी, मार्केट का हाल भी मिलेगा, और क्वालिटी आते ही रहेगी, क्योंकि ILU एंटरटेनमेंट में समीर भाई का धमाका जो है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया है, और नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है भाई। छोड़ दो, बकरा ईद के 15 दिन पहले तक के समीर बच्चा लाएगा। फिर क्या लाएंगे? 15 दिन आराम करूंगा, बकरा ईद तक नहीं, 15 दिन के फिर, बकरा ईद के 15 से 20 दिन के बाद बच्चा लाना स्टार्ट करूंगा। अभी मेरे पास में समझ लो मुश्किल से 1.5 महीना है, 1.5 महीने में जितना बच्चा ला रहा हूँ, जिन जिन लोगों को चाहिए वो ले लें। जी जी, 1.5 महीने के बाद में मैं थोड़ा सा पब्लिक की जो है ना, मैं समीर भाई आप लोग बता दूँ, पब्लिक सोचती है क्या बकरा ईद में कुर्बानी उनके घर की जो पाल के करते हैं ना, कर लो उसके बाद बच्चा ले लो। ठीक है, और उसके बाद वो फौरन देवनार में पहले दूसरे दिन ही चले जाते, और उनको वो क्वालिटी वाला नहीं माल मिलता है भाई। आप खिलाते हो दिन, मतलब दिन भर रात भर एक कर रहे हो, खिला रहे हो, तो वो बन वैसा नहीं बना जैसा ये बच्चे बन रहे। तो देवनार पहुंच रहे हो आप ईद के बाद, वही आप चीज अभी ले लो, थोड़ा सा स्पेस कर लो, थोड़ा कंजेस्टेड लगे लेकिन मैनेज कर लो। हाँ, लेकिन ये बच्चे जो बन जाएंगे ना, वो आप लोग जो है पहले कभी जो आपका शौक पूरा नहीं, वो शौक अब पूरा हो जाए, ये है मेहनत। छोड़ दो, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, लोगों को लग रहा है एक एक चीज बताने की कोशिश हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो जिस किसी भाई ने अभी तक भी है चीज नहीं लिया है समीर भाई से, क्वालिटी नहीं लिया है, तो लो, और ये देखो बेहतरीन चीज है, शौक करो, प्रॉपर शौक करने वाली चीज। समीर भाई, भाई। नस्ल बताइए। सोजत बच्चा, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज लटक देखो बच्चे की, तो मैंने पट्टा डाल दिया है, लटकन दिखती नहीं है बच्चों की झलक। जी जी जी, बच्चा देखो यहाँ पे एक बिस्किट कलर का पैच है, गोल, इसके भी बॉल है। ओके, गोल सर्कल, और मार्बल सिंग है, और भी मार्बल है। मार्बल सिंग, मार्बल खुर बता रहे, कितने महीने का है? 7 महीने का बच्चा है इलियास भाई, बच्चा नहाया नहीं है। अब दिखाओ बच्चा, बच्चे का रुआ देखो। क्या वजन पे बोले आपने? ये 40 के अंदर आएगा। 40 के अंदर आएगा। अंदर कान खोल के दिखाओ, ये देखो कान पूरे गुलाबी। एशियन पेंट चॉकलेट के साथ, हल्का सा चॉकलेट है, लेकिन जो 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 गुलाबीपन है वो ज्यादा है, मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा खासा गुलाबी बच्चा है, कितना महीना? 7 महीने का। 7 महीने का। 40 kg के अंदर वजन आएगा, खूबसूरत बच्चा, वाइट बच्चा, अच्छी लटकन में। और इसके देखो ये घुटने पे भी बॉल है, एक ये घुटने पे भी, मतलब चारों बाजू है, एक ये पीछे बॉल है गोल, एक ये इधर पीछे बॉल और ऊपर है, ये ऊपर बॉल है, मतलब पूरा खूबसूरती का मुजाहिरा कर रहे हैं। बच्चा देखो, और बच्चे क्या है, ये सफर करके आए हुए हैं बच्चे, थोड़ा वजन तोड़ते भी है। मतलब आप बोल रहे हो कि ये सफर किए हैं तो थोड़ा आप लोगों को टूटा हुआ, पर आपके पास जाएगा तो प्लस ही रहेगा। एक चीज मैं और बता दूं, अगर मेरे पास से बच्चा लेके जाते हो तो इलियास भाई ये मत सोचो कि बस उसको रातों दिन खिला रहे हो, जितना आप स्टार्ट में कम खिलाओगे बच्चा उतनी जल्दी सेट होगा। सही बात, जितना आपने ज्यादा उसको खिलाया बच्चा सेट नहीं होगा, बच्चा बीमार पड़ना 110% बीमार पड़ेगा। समीर भाई, मैं, मेरा एक दोस्त था, वो ईद में बकरा लेके आ गया, अब उसने जो है 20 रोटी खिला दिया, एक ही दिन में मोटा करना होगा उसे, और सुबह तक मोटा ही समझे। तो ऐसा है कि ज्यादा भी खिला दो ना तो मोर्टेलिटी हो जाती है भाई, बर्दाश्त भी होना चाहिए। इलियास भाई खा के मरता है, भूखा नहीं मरता। हाँ, कभी भी भूखा ना पतला हो जाएगा, कांडी हो जाएगा, भूखा मरेगा ही नहीं कभी जानवर, नहीं मरता है, खा के मरता है, क्योंकि वो ज्यादा खा के बीमारी लेता है। ओके, अभी तुम अनाज डाल दो वो हबक के खा लेगा, बीमार हो जाएगा। ओके,
मतलब अनाज जो है आप हिसाब से खिलाओ, हिसाब से, अभी तो 100 ग्राम बस। अच्छा, 100 ग्राम से ऊपर नहीं, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ। वो जाएगा खुद बताएगा भाई वो, हाँ कि मुझे और चाहिए। हाँ, अभी आप उस पर जबरदस्ती मत करो, नहीं तो ऐसा होगा ईद के दिन उसको दूसरा जानवर लाना पड़ा। हाँ। समझे, क्योंकि जब जानवर ये मतलब अभी आप लोग उलमा से तहकीक कर लेना, जब जानवर आप लाते हो मोर्टेलिटी हो जाती है तो आप पे वो फर्ज हो जाती है, वो चीज आपको करना ही पड़ेगा फिर, पर आपकी इस्तेदाद नहीं है तो ये मौलाना लोग बता देंगे आप लोगों को, आप लोग कन्फर्म कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चा परफेक्ट है, अच्छा बच्चा है, गुलाबी बच्चा है, 7 महीने का, 40 kg के अंदर है। प्राइस बोलिए। ये सब गंदा है भाई, देख लो गंदा, इसके लिए इसकी गुलाबीपन दिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे लालू सेठ है। हाँ। एक ही ऐसी चमड़ी वाला बकरा लाए थे, थोड़े दिन बाद उसको इतनी मेहनत की वो गुलाबी नजर आने लगा। मेरे पास भी इसके अंदर केज में पड़ा हुआ था। अच्छा, तो पहले लाल चमड़ी का था, जो जो उसकी एज बड़ी बड़ा हुआ वो पिंक हो गया। हाँ, अब ये अल्लाह की कुदरत है कि क्या है, क्या है वो। एक्चुअली मैंने वीडियो डाला ना उसका, तो वो बच्चा बड़ा बच्चा था पंजाबी, वो 2 मिनट में सेल सोल्ड आउट हो गया। और सामने ने पूछा कि लास्ट वीडियो में देखा था वो बच्चा गुलाबी नहीं था, ऐसा क्या किया तुमने जो गुलाबी हो गया। नहीं, कोई कोई जानवर रंग बदल लेता है। हाँ, बदल लेता है। तो ऐसा है, बच्चा था वो, जी जी, रेड चमड़ी का बच्चा था। हाँ, वो लास्ट में गुलाबी हो गया वो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, क्या हो जाए कब क्या हो जाए। एक्चुअली ये जहाँ से आते हैं ना उनका बहुत ज्यादा गर्मी में दौड़ते भी है, उस हिसाब से अपन भी ज्यादा धूप में रहेंगे तो थोड़ा कलर का फर्क पड़ता है, उस हिसाब से भी पड़ता रहेगा। अपन रखते केज में रखते हैं, ढाक के रखते, कहीं बाहर निकालते नहीं है, तो ये सब चीजें हैं जो जानवर को फर्क पड़ जाती है। आगे ले लो, कितना बोले प्राइस? 18,000 रुपए में आप लोगों को ये चीज मिल रही है। डाल दो अंदर। 40 किलो के बीच का बच्चा है भाई, अब कैलकुलेटर कर ले आदमी। कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेना, जोड़ लेना। क्वालिटी का कैलकुलेशन नहीं होता है, फिर भी आप, मैं तो बोलता हूँ कि क्वालिटी का भी कैलकुलेशन कर लो तुम। अच्छा, कर लो। 600 रुपए किलो, 550 रुपए किलो, 700 रुपए किलो नहीं मांग रहा हूँ मैं। 38 किलो का बच्चा दे रहा हूँ, 18,000 रुपए मांग रहा हूँ। 18 कोई देगा भाई नहीं, 2-500 उसमें भी कम करने पड़ेंगे। अच्छा, है ना, तो आप कैलकुलेट कर ले आदमी। सही है, सही, क्वालिटी देख ले। बेहतरीन बच्चा, डाल दो अंदर, चल के दिखाएगा। तो जिस किसी भाई को भी लेना है, शौक करना है, डिस्प्ले में नंबर आ रहा है आप लोगों को समीर भाई का, कॉल करो, लो और शौक करो। नस्ल बताइए। नस्ल ये है अजमेरा। अजमेरा बच्चे के पहले पैर दिखा, पैर दिखा दिए, मोटाई दिखा, अब बच्चे की पेटी दिखा, पेटी, अब बच्चे की लेंथ दिखा, अब बच्चे की झालर दिखा, तो पट्टा पड़ा दिखती नहीं है। ओहो, क्या बात है। बच्चे की चमक दिखा, लिया चाल दिखाओ, कमान दिखाओ। तो चाल, कमान, चमक, कितने महीने का है ये? 7 से 7.5 महीने का बच्चा है। ओहो, बच्चा देखो भाई, बच्चा देखो, चलने का स्टाइल देखो, शाइनिंग देखो बच्चे के अंदर, देखो बच्चे। बहुत जबरदस्त चेहरा देखो बच्चे का, कमान देखो बच्चे। क्या वजन का है बच्चा? 45+ बच्चा है। 45+ प्लस है बच्चा। ठीक है, बड़ा बच्चा है, अच्छे फ्रेम में है, अच्छी लटकन में है, पैर पुर्जे का, 7 महीने का, मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 महीने का भाई। अब इस बच्चे से इलियास भाई क्या उम्मीद लगाएगा आदमी? उम्मीद तो बहुत कुछ लगा देगा, आप बताओ क्या लगाना चाहिए वो बताओ। लगा ले, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा बच्चा बने, तो ये ख्वाहिश पूरी करने वाले बच्चे। मतलब ये आपकी ख्वाहिशों को बढ़ाएगा, आपके शौक को बढ़ाएगा, और इंशाल्लाह आपका पैसा वसूल। क्वालिटी ये है, देखो शाइनिंग है इसके अंदर, इसकी लटकन है, इसकी एज जो है ना भाई, ये देखो लटकन देखो। ओहो भाई, ये जो है ना, मैं आप लोग बता दूं, ऐसी क्वालिटी के लिए जंगलों में घूमना पड़ता है, थकना पड़ता है तो जाके आप लोग कोई व्यापारी के पास मिल जाए तो मिल जाए भाई। कमान दिखाओ इलियास भाई, शोल्डर दिखाओ, कितना चौड़ा शोल्डर है, और लूज शोल्डर का बच्चा है ये। लूज शोल्डर, टूटा हुआ शोल्डर। अच्छा, कमान वाला बच्चा जो चाल रहते हैं ना, शोल्डर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसी चाल का शोल्डर का बच्चा है। अच्छा, खुले शोल्डर देखो ना, यहाँ से कितना अंदर है, ये देख लो, ये देखो, बहुत जबरदस्त कमान, शाइनिंग देखो, कमान देखो, देखो बच्चा देखो। समीर भाई क्या मांग रहे हो? ये 22,000 रुपए का बच्चा है, और देने वाला 21,000 रुपए। 21,000 रुपया, 45 kg, 45 प्लस ही आएगा, 45 पकड़ के चलो। ठीक है, देखो बच्चा,
ओहो, बच्चे में माशाल्लाह कोई कमी नहीं भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप देख रहे हो और आपका दिल में तमन्ना है क्या बनने वाली चीज लेना है तो आप ये चीज लो और इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा भाई। और छोड़ दो मेरे पास, फिर बोल रहा हूँ डबल दिल खुश होगा, डबल दिल खुश होगा इंशाल्लाह। छोड़ दो मेरे पास, अल्लाह ने अगर इसकी हयाती रखी तो बच्चा बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बेहतरीन हो गया। सब दिखा के? सब दिखा के हो गया। नंबर बोलिए। 9004013433। अपना एड्रेस? पिकरोली पार्क साइड नियर मैफियर मुंबई महाराष्ट्र। और कुछ पब्लिक के लिए? व्यूअर्स के लिए ये कि भाई जरा दुआ करो मेरे लिए बस। दुआ क्यों? बस ऐसे लोगों से दुआ करवाना अच्छी बात है ना यार अपने लिए। सही है, सही वो तो बात तो सही। पैसे कौड़ी तो मांग नहीं रहा हूँ, दुआ ही मांग रहा हूँ भाई, थोड़ी सी दुआ करो मेरे लिए। काम अच्छा करता रहूँ, अल्लाह थोड़ी इज्जत दे और हमारे भी दिन जो है जरा अच्छे से गुजरे। दिन अच्छे से गुजरे? हाँ। तो माल तो ऐसा भी माशाल्लाह आ रहे हो, कंटिन्यू बिक रहा तो अच्छे से गुजर ही रहे ना। नहीं, वो दिन गुजरना अच्छा थोड़ी होता कि आप पैसे कमा रहे हो, माल बिक रहा तो दिन अच्छे गुजर रहे हैं। जी जी ना, वो जो सुकून होता है ना वो अल्लाह हमेशा बरकरार रखे। आप लोग ये दुआ करें बस, दिल ही सुकून रहे। पैसे का क्या है, पैसे आज है कल नहीं है, परसों फिर है। सही बात। मैंने पैसे को उतनी अहमियत नहीं दी है, उतनी अहमियत दी है मैंने पैसे को इलियास भाई, जितने से मेरी जरूरत पूरी हो जाए। ओके। बस मैं ज्यादा पैसों का हुआ नहीं बना कि नहीं बस ला ला ला, क्योंकि एक चीज मेरे को ये समझ में आती है, मैं ये देखता हूँ इंसानी फितरत कि जब आदमी रात को लेटता है तो अल्लाह से बड़ी ख्वाहिशें करता है कि घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मांगता पेट भर के, यहाँ लखपतियों वाला करोड़पतियों वाला ख्वाहिश देखता है। और जब उसी अल्लाह के नाम पे कोई गरीब उससे मांगने आता है तो जेब में हाथ डाल के चिल्लर ढूंढता कि पाने की चाह करोड़ों है और देने की नियत दो रुपए भी नहीं है, चिल्लर ढूंढता है। तो ये है इंसान की फितरत, समझ रहे? तो मैं उतना ही बस मांगता हूँ अल्लाह से जितने मेरी जरूरत पूरी हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पैसा भी नुकसान दे है, नुकसान दे, बात भूल जाता है आदमी। क्या बात है, छोटे बड़े का अदब खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, लोगों की कदर नहीं करेगा आदमी, अपने आप में रहेगा, पैसे में रहेगा। ये मैंने देखा है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन 90% तो आदमी अपनी औकात भूल जाता है कि वो पहले क्या था। ठीक ऐसा तो ये दे ना मुझे बस जितने में मैं अपनी औकात ना भूलूं। क्या बात है भाई। और सब्सक्राइबर क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइबर के लिए यही बोलूंगा भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थोड़ा आगे बढ़ाओ और शौक अच्छा करो बस। जी जी, 2-500 का मुंह मत देखो, शौक अच्छा करो। ठीक, बस यही कहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई। बस दुआ में मेरे को याद रखो, बस थोड़ी मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहती है, उनके लिए भी दुआ कर दो। तो प्लीज आप लोग समीर भाई की अम्मी के लिए दुआ करें और आप लोग कौम के लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात चल रहे, और इंशाल्लाह एक मैं खुद एक मुहिम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ हमारे फलस्तीनी भाई लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह कुछ कंट्रोल करेंगे ताकि बकरा इंडस्ट्री से भी इंशाल्लाह कुछ जो है हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ इनिशिएटिव लेना है, मुझे कॉल भी आया था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, तो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं नहीं जरूर भाई, मैं खड़ा हूँ आपके साथ में इस चीज के लिए। अभी सब लोगों ने, आप लोगों ने मिलके भिवंडी से लोगों को उमरा भी कराए, भेजे भी। जी जी। तो ये इतना अच्छा काम करे, थोड़ा सा ये जो चल रहा है मामला, जी जी, वहाँ के लिए भी थोड़ा सा सोचे। ठीक है, है ना, चले क्लोज कर दे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।